हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, यहाँ पे बुआ पापा को राखी बांध रही है। मैं ससुराल पहुँच गई थी और बुआ जो है राहुल की, वो मतलब भतीजों को भी, यानी कि राहुल को और सभी भैया लोगों को राखी बांधती है। ये राहुल की दूसरी बुआ हैं जो कि इनको बांध रही हैं राखी, और सिर्फ बुआ इनको ही नहीं बांधती हैं राखी, मुझे भी टीका करती हैं, और ये सिर्फ राखी में नहीं, भैया दूज में भी करती हैं। तो बस इन लोगों का प्यार है। और दोस्तों, मेरा ससुराल का भी जो परिवार है ना, बहुत बड़ा है। कभी आपको साथ में इकट्ठा के नहीं मिले हैं, बहुत जल्दी कुछ ऐसा फंक्शन होगा तो मैं आपको सबसे मिलाऊंगी एक एक करके। और यहाँ देखिए, बुआ मुझे भी टीका कर रही है। अरे भाभी पूरा खा यार, तो ऐसे मुझे ससुराल में भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। ये दोस्तों राहुल की जो एक सिस्टर लगती हैं, ये भी गुड़िया दीदी, और ये मेरे शादी के बाद मेरे ख्याल से मैंने इनको पहली बार ऐसे राखी बांधते देखा। हमेशा इनकी राखी तो आती थी, बट ये अहमदाबाद में रहती हैं तो ये नहीं आ पाती थी, बट इस साल ये भी आई हुई थी। तो गुड़िया दीदी बांध रही हैं राहुल को राखी यहाँ पर, और साथ ही साथ इन्होंने मेरा भी टीका किया। हनु को पहली बार तुम लगा के बता, मतलब हनु की बंदी नहीं लगी। अच्छा, अभी नहीं लगी, अभी तो हाँ बंदी है, सुबह से ऐसे ही हो। अच्छा, मामा की तरफ से बंदी होगी, तो कोई है नहीं ना लड़की, कोई लड़का पहला तो यही है ना। बुआ का बुआ की तुम लोग, अरे चलो हनु पहला लड़का, ये अब बंधेगी। अच्छा, खुशी खुशी बना रहे थे मेरी बार, आपने ज्योति मैं भी चढ़ा दिया। अच्छा, आ रहे हैं, चलो मम्मी कहीं चलना, मम्मी चलो मम्मी चली जाएंगे। ज़ूम कर दे जरा, देखो कितनी सुंदर है। अच्छा रुको, पहले बुआ बांध दे। बांधो बांधो बांधो, चलो भैया रानू की राखी बंध गई, क्या बात है। बुआ ने राखी बांध दी, लो भाई राखी। ले तुम्हारे ही नाम की मिठाई है बाबू, खा ले रानू। अभी तो हमने खा ली बात, ऐसे हेलो कर दो, हेलो कर दो, ऐसे गुस्सा गाए हो, ऐसे गुस्सा गाए हैं, ऐसे काहे गुस्सा है भाई। जानो बुला इसको इधर, देखे ये देखो भैया, मैचिंग मैचिंग ग्रीन निक लाइट ग्रीन भैया, देखे छोटे छोटे हाथ। मुकेश, मत नाम ना खराब करो उसका। हेलो गाइस, तो इस बार दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा राखी मनाई गई, तो अर्पित की राखी बंध रही है यहाँ पे, अलीशा जो है हमारी नन वो बांध रही हैं अर्पित को राखी, अर्पित हर्षित को, और इनको शायद सुबह ही बंध गई थी, तब तक मैं आ भी नहीं पाई थी, तो इस वजह से अर्पित हर्षित को बांधी जा रही है। और यहाँ पे जो मिस्टी हैं वो हनु को राखी बांध रही हैं। हनु की राखी भी मतलब उनकी बहनें इतनी लेट आती हैं कि इनकी राखी लेट हो जाती है, और मैं भी लेट ही आई थी, 3 बज गया था मुझे भी आते आते। तो यहाँ पर हनु की राखी हुई, हाथ लगा लो दोनों लोग, इधर देखो, चलो दोनों हनु और अनाया दोनों लोग कैमरे में देखो, हाँ सो स्माइल करो, ये बात, चलो बस स्माइल करो दोनों लोग कि पैसे मिलने आ जाओ। हाँ चलो, बाबू बाबू हाथ दिखाओ राखी बांधने के लिए।
अब दोस्तों आई कोमल की बारी। कोमल जो है वो राहुल की बुआ की बेटी हैं, तो इनका भी एक छोटा बाबू अभी हुआ है। बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, इसका नाम बिहान है। और कोमल बकायदा ऐसे बैठा के हम दोनों को राखी बांधती है, कोमल मोना दोनों के साथ में हम लोग के हमेशा साथ सम्मान राखी बांधती है। और बहुत अच्छा लगता है कि भाई के साथ साथ भाभी को भी इतना प्यार मिलता है, तो थैंकफुल है इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी भी राखी इन लोग ने बांधी। और ये सब मैं कानपुर में रख के आई हूँ कि वीडियो जो भी अब आ रहे हैं ना, मैं हमीरपुर पहुँच गई हूँ, वहाँ से आ रहे हैं, मैं अब एडिट करके आपके लिए डाल पा रही हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा लगता है। पहले ऐसी मैं सोचती थी कि ऐसे भाई और भाभी दोनों को बांधी जाती है, अब हमारे लोग के साथ होता है ना तो अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्तों उस दिन ना ससुराल में की राखी जो थी वो 6-7 बजे तक लगभग चली थी, और इतना टायर्ड हो गई थी सुबह से मैं ये हैवी साड़ी पहन के कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और क्या नाम है इनका? कुमार बिहान। बिहान इधर देख लो जरा सा एक बार, हम इनका फैमिली में जुड़ गए हैं। बिहान सबसे हेलो कर दो। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट ईयर हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर मिलेंगे। और हम भी जल्दी ये रही इनकी माता जी बिहान की। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हो गया है सारा त्यौहार रक्षाबंधन का अच्छे से। और इस समय घड़ी में बज रहे हैं दोस्तों 7, और मेरे जो ससुराल का रक्षाबंधन था वो शाम के 6 बजे तक चला है। यार इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई ना मैं सुबह से साड़ी पहन के कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और साड़ी में बस उतारने जा रही थी, तो मैंने चलो आपका मतलब ब्लॉग तो एंड कर देते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन का स्पेस भी फुल हो गया है, तो मैं जल्दी से ब्लॉग एंड कर दूँ। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत अच्छे से वीडियो लेकर आऊँगी, और ससुराल और मैं का दोनों ये 2 पार्ट में जाएगा, बिकॉज क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है इसलिए। और मेरा लुक कैसा लगा, मेरी साड़ी कैसी लगी, मेरी चूड़ी कैसी लगी, और ये देखिए दोस्तों मेरे नंदों ने मुझे भी राखी बांधी है। और राहुल मिलाते हैं आपसे, जन्ना अपनी भी राखी भाई दिखा दो, इतनी सारी राखियाँ मेरी जन्ना को बांधी है, क्योंकि जन्ना की बहनें इतनी हैं, और इनको बुआ लोग भी बांधती है ना जन्ना, आपकी बुआ। और ऐसा नहीं है, राहुल की बुआ जो होती है वो मुझे भी टीका वगैरह करती है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा गर्मी हो रही है, और कितना ज़्यादा हम लोगों ने मतलब आज की राखी मैं आपको बताऊँ, मैके वाली भी बहुत अच्छी रही और ससुराल वाली भी बहुत ज़्यादा अच्छी रही। मैं सारा कुछ ब्लॉग आपके लिए डालूंगी, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय।